उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन टू ए टू वाइस ए सी प्लस बी डी। ने प्रूव करना है हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या लेस देन है टू वाइस ए सी प्लस बी डी के। ने सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन टूवाइस दैट ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। पहले चलते हैं ग्राफ पे, हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल। इसका मैं नाम रखता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, और इसके दो डायगोनल्स ए सी और बी डी। चलिए मैं इस सेंटर का नाम रखता हूँ ओ, जहाँ पर इसको मीट करता है। ठीक है, जहाँ पर डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पार्ट का मैंने क्या नाम रखा ओ। तो हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मुझे क्या बन गए, बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए। अब मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं ए ओ बी ट्रायंगल ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओ ए प्लस ओ बी यानी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। या अगर इसका उल्टा कहेंगे, ए बी यानी थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ इट्स टू साइड्स अदर टू साइड्स, यानी दो साइड्स तीसरा साइड हमेशा दो साइड्स बाकी दो साइड्स के सम से हमेशा छोटा होता है। इसी को हम उल्टा इस्तेमाल करके प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ए बी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन टूवाइस ए सी प्लस बी डी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ या लिखता हूँ, वी नो दैट थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके मैं अगर लूँगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ए बी किसके बराबर निकलेगा मुझे, ए बी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी, यानी ओ ए प्लस ओ बी से हमेशा ये लेस निकलेगा, पहली इक्वेशन। इसी तरह इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला बी ओ सी, बी सी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, दूसरी इक्वेशन। इसी तरह इन ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में सी ओ डी में सी डी इज लेस देन ओ सी प्लस ओ डी, सी डी इज लेस देन ओ सी प्लस ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी सी डी इज लेस देन ओ सी प्लस ओ डी, और इस तरह इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी ए ओ डी ए डी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ डी। ठीक है, ए डी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ डी। तो ये बन गई हमें चौथी इक्वेशन। एडिंग ऑल द फोर इक्वेशंस वी गेट, हमें क्या मिलता है, ए बी लेफ्ट साइड में यानी इक्वेशंस का लेफ्ट साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या ए डी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी पहली इक्वेशन, प्लस ओ बी प्लस ओ सी दूसरी इक्वेशन, प्लस ओ सी प्लस ओ डी तीसरी इक्वेशन, प्लस ओ ए प्लस ओ डी चौथी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.4।
सेवन्थ मैथ। क्या निकला मुझे यहाँ पे, यहाँ पर आप देख लीजिए, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन, यहाँ देख लीजिए ओ ए, दो बार है ओ ए, ओ ए प्लस ओ ए हुआ टू ओ ए, ओ बी प्लस ओ बी टू ओ बी, ओ सी प्लस ओ सी टू ओ सी, ओ डी प्लस ओ डी हुआ टू ओ डी, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइड इसी तरह से आगे चलेगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन टू वाइस, को हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ बनता है ओ ए प्लस ओ सी, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, प्लस ओ बी प्लस ओ डी, तो क्या निकलेगा मुझे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन ट्वाइस ओ ए प्लस ओ सी, किसके बराबर निकलता है ये देख लीजिए, ओ ए प्लस ओ सी, ये है ए सी के बराबर, क्योंकि ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ओ ई प्लस ओ सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ए सी, यानी यहाँ पर ट्वाइस ओ ए और ओ सी के बदले में लिखता हूँ ए सी, प्लस इसी तरह ओ बी प्लस ओ डी के बदले में लिखता हूँ बी डी, यहाँ देख लीजिए ओ बी प्लस ओ डी के बदले में क्या लिखता हूँ बी डी, क्योंकि ओ बी प्लस ओ डी बी डी के बराबर है बी डी, और यही हमें प्रूव करना था, इस तरीके से हमें ये प्रूव हो गया, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए यानी सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज लेस देन टू इज दैट ऑफ सम ऑफ इट इज डायगोनल्स, ए सी और बी डी इसका डायगोनल है, इस तरीके से प्रूव हुआ ये, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, कहता है एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, उसका एक साइड है 12 सेंटीमीटर और दूसरा है 15 सेंटीमीटर, हमें कहना है कि उसके तीसरे साइड की लेंथ किन दो वैल्यूज़ के बीच में आ सकती है, हमने पहले ही पढ़ा है ये, हमें पता है कि थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ इट्स अदर टू साइड्स, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पढ़ा है, और सम ऑफ इट्स यानी हमेशा तीसरा साइड, तीसरे साइड का मेजरमेंट उसके दो साइड्स के सम से कम होता है, और अगर हम इन दो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा तीसरे साइड का मेजरमेंट उस सब्ट्रैक्ट से ज़्यादा होता है, हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऊपर क्वेश्चन नंबर वन में, ऐसे पहले सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, चले हम चलते हैं, यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, गिवन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, वी नो दैट थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज less than sum of its other two sides, इसका मतलब अगर हम 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर करते हैं, तीसरे साइड का मेजरमेंट हमेशा उससे कम होना चाहिए, therefore sum of two sides is equal to 12 plus 15 इज इक्वल टू 27, यानी तीसरे साइड का मेजरमेंट 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ये हुआ एक पॉइंट, और दूसरा हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम इन दो साइड्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरे साइड का मेजरमेंट हमेशा उस सब्ट्रैक्ट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ऑल्सो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल is always greater than difference, या इन दो साइड्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड साइड उस डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होता है, greater than difference of its other two sides, therefore
डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू 15 - 12 3 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब देयरफॉर मेजर ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल मस्ट फॉल इन बिटवीन 3 and 27, यानी 3 और 27 के बीच में तीसरे साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। एक्सरसाइज 6.4 का सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.4 का सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ये 6.4 का सिक्स बिटवीन 3 and 27। ठीक, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।